बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत छोटी सी रेसिपी, लेकिन बच्चों की फेवरेट है। किसी टाइम भी भूख लगे तो आप ये बना के खा सकते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ पॉपकॉर्न, साल्टिश नहीं। आज हम कैरेमल पॉपकॉर्न बनाएंगे। साल्टिश पहले मैं बना चुकी हूँ, तो यहाँ देखची रख दी है। थोड़ा सा इसमें ऑयल जाएगा, दो चुटकी नमक जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शनल है। चूल्हा मैंने जला दिया था। ये मेरा थोड़ा चम्मच गरम है स्पैचुला, उसकी वजह से पानी लगा तो आवाज़ आ रही है, लेकिन पॉपकॉर्न की भी आवाज़ बहुत मज़ेदार है, हम उसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे गरम हो चुका है ऑयल, दो स्टेप्स में हम बनाएंगे। सबसे पहले हम पॉपकॉर्न बनाते हैं। तो गरम हो चुका है, इसे मैं पॉपकॉर्न ऐड कर देती हूँ, तकरीबन हाफ पैकेट। ये पैकेट बाज़ार से मिल जाता है रेडीमेड, आप ले सकते हैं, खुले वाले भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो चलिए, हाफ पैकेट हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मीडियम हीट पे फ्राई करते हैं, बहुत स्लो हीट नहीं रखेंगे, मीडियम पे ही करेंगे इसको। तो देखिएगा किस कदर मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है हमारी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, आप इनको ट्राई कर रहे हैं, तो इसका फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। उम्मीद है आपको ये भी रेसिपी अच्छी लगेगी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जिस तरह से आप पसंद कर रहे हैं मेरी रेसिपीज़ को। तो चलें इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि इसकी पॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो इसके फ्लावर्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं पॉपकॉर्न के। ये देखिए बनने की तरफ चल पड़ा है ये। इसी तरह से जैसे जैसे ये हीट अप होगा, ये सारे फूल हमारे पॉपकॉर्न बनते जाएंगे। तो अब इसको यहाँ पे कवर कर देते हैं ताकि हमारे ऊपर ना पड़े और इजीली ये हो जाए। तो आप देखिएगा इस पॉपिंग की आवाज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूँ कि इसका कैरमलाइज जो प्रोसेस है वो रहता है। अभी सबसे पहले हम पॉपकॉर्न सिंपल तैयार करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि इसको हम किस तरह से बनाते हैं। वही मेन चीज़ है, रेसिपी की जान है। तो आप स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए इसको पूरे बनने तक मैं इसका वेट करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसका ढकना उठा दिया है ताकि आप इस आवाज़ को भी इंजॉय कर सकें और देखें किस तरह से पॉपकॉर्न हमारे घर पर बनकर इजीली तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए थोड़े से दाने इसके नीचे रह गए हैं, जब तक वो भी तैयार हो जाते हैं 2 मिनट हम इसको और इसी तरह से हिलाते रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने एक बिल्कुल प्यारा सा नया वाला पैन रख दिया है, बहुत खूबसूरत सा। बाकी प्रोसेस हम इसमें करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसमें मैं, अगर आप चाहें तो आप चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें देसी शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल स्लो हीट पे मैंने हाफ कप के करीब शक्कर डाल दी है, इसका कलर भी ज़्यादा अच्छा आएगा इस तरीके से। ये देखिए इसको हम स्लोली कैरेमलाइज होने देते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बिल्कुल फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड करूँगी। तो आपने देखा कि ये शक्कर और चीनी जो है वो कैरमलाइज होना शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखिए मैंने पॉपकॉर्न को सेट कर लिया है, एक डब्बे में डाल दिया है एयर टाइट में। बाकी का प्रोसेस हम इसमें ही करेंगे। तो नॉनस्टिक पैन लिया कीजिए, इसकी हिफाजत करनी ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो कुकिंग है वो इसी में अच्छी होती है। ये देखिए इस तरीके से। तो जैसे जैसे ये कैरमलाइज हो रहा है, हम इसको हिलाते रहेंगे मुसलसल स्लो हीट पे इस तरीके से। ये देखिए इसको मैं हिलाती जा रही हूँ, आपके सामने ही ये कैरमलाइज हो रही है शक्कर और चीनी। लोग तो खाली चीनी डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या एक करना चाहें। तो इसके साथ ही मैं अनसाल्टेड बटर ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए 2 टेबल स्पून के करीब इस तरीके से।
ये बटर ऐड किया है, इसके साथ साथ ही ये कैरामलाइज हो रहा है हमारा। गुड़ डालें या शक्कर डालें, जो भी आपको टेस्ट पसंद है, लेकिन बटरी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसमें आने वाला है। तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कोई गुठली ना रह जाए शक्कर की। ये देखिए ऑलमोस्ट ये कैरामलाइज हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए अब इसमें एक ख़ास प्रोसेस है इसका, इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। और दूध हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे हम। अब फिर से इसकी एक पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा स्पैचुला की मदद से हम इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि लम्स ना बने, और हिलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो इसको बिल्कुल एक जान होने तक, फ्लफ़ी होने तक कुक करती हूँ मैं 2 से 3 मिनट। देखिए साथ साथ मैं इसमें इसके लम्स को मारती जा रही हूँ, और ताकि ये लम्स ना रहे इसमें, बिल्कुल पेस्ट सी बन जाए। तो चलिए मैं 2 मिनट पकाने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये तैयार है, अब इसको फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो अब ये देखिए मैंने पॉपकॉर्न डाल लिए हैं एक डब्बे में, और ये हमारे जो प्यूरी है ये तैयार है। देखिए किस कदर खूबसूरत और अच्छा फ्लेवर इसका आया है कैरमलाइज। अब स्लोली हम थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर ये ऐड करते जाएंगे पॉपकॉर्न के ऊपर इस तरीके से। ये देखिए कितनी आसानी से ये इस पर डाल दिया है। तो अब इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एयर टाइट बॉक्स को बंद करेंगे चारों तरफ से अच्छे तरीके से इस तरह से, ताकि ये बाहर नहीं आए। अब इसको मैं हिलाऊंगी। ये देखिए अब देखते हैं क्या पोजीशन है पॉपकॉर्न की। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत पॉपकॉर्न, बाजार से भी ज्यादा जबरदस्त हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी बनी है हमारी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। देखिए किस तरह बिल्कुल अच्छी सी कोटिंग चारों तरफ हो चुकी है। आप ये ज़रूर बनाकर एंजॉय कीजिएगा, बच्चों को भी दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ा ठंडा होगा तो ये अपनी जगह सेट हो चुका है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।